दिव्य हिमाचल कांगड़ा न्यूज ब्रॉट टू यू बाय विरमानी स्किन केयर नगरोटा बगवा कांगड़ा, जहां आपको मिलेगा अपनी त्वचा से जुड़ी हर समस्या का समाधान। अपने शरीर के अनचाहे बाल हटाना या झड़ते बालों का रोकना, चिकन पॉक्स, मुहासे, सर्जरी के बाद के निशान, इनका बेहतरीन ढंग से इलाज। डॉक्टर मल्लिका अरोड़ा MBBS MD स्किन अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं के निदान के लिए आज ही मिलिए। इंदौरा के गांव चूड़पुर का लड़का जो 5 सितंबर 2018 को अचानक कहीं गुम हो गया और अगले ही दिन उसकी लाश जलंधर पठानकोट ट्रैक पर मोहटली रैंप के पास मिली थी, उसके परिजनों ने SDM इंदौरा गौरव महाजन को ज्ञापन दिया कि वह हमारे बेटे अब्दुल सलीम को खत्म हुए 37 दिन हो गए हैं, परंतु पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस केस में जल्द से जल्द जिसने भी उनके बेटे की हत्या की है को गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान SDM इंदौरा गौरव महाजन ने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और पुलिस विभाग इस केस की तफ्तीश कर रही है, जल्द ही परिजनों को इंसाफ मिलेगा। मेरा बेटा अब्दुल सलीम जिसका मर्डर हो गया था 5 तारीख को, और आज 37 दिन हो गया। हम पुलिस के पास भी जाते हैं और SDSP के साथ पास भी गए थे। हमारी शिकायत यही है कि हमें उस बच्चे का इंसाफ मिलना चाहिए जिसका मर्डर हुआ, मेरे बेटे का मर्डर हुआ है और जिस साजिद के साथ हुआ है, और दो लड़के जो साजिद के साथ इनके साथ गया था वो जाते तो दिखाई देते हैं कैमरे में, क्या वापसी नहीं दिखाई देती। उसके बाद मेरा जो लड़का 100% सही बात है कि उसका मर्डर ही हुआ है। तो अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं है जी, क्योंकि आज 37 दिन हो गया। रोज मेरे को यही कहते हैं, जब भी मैं पूछता हूँ या फोन करता हूँ कहते हैं कि ठीक है हम कर रहे हैं कार्रवाई, जल्द पता चल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा कोई ना कोई सुराग, बस यही बोलते हैं। कि जो भी ग्रीवेंसेस है उसको बड़े ध्यान से सुना है और उससे जो है पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए हैं कि इसमें शीघ्र जो भी इंसाफ किया जा सकता है उसको जो है पूर्ण किया जा सके, ताकि जो इनको परिवार को आघात हुआ है एक अपने परिवार जन के अपने बेटे के जाने का, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन हम उनको इंसाफ जरूर दिया जा सकता है, इस पर हमारा जो है पूरा प्रयास है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ठाकुर द्वारा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।